कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक की पिटाई और वाहन में बांधकर घसीटे जाने की घटना तथा देश के कुछ अन्य हिस्सों में भीड़ द्वारा लोगों की पिटाई से संबंधित कुछ अन्य घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 भी बेच दिए। उन्होंने इन घटनाओं का उल्लेख करते हुए एक वीडियो साझा किया है और ट्वीट किया, संविधान के अनुच्छेद 15 व 25 भी बेच दिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा है कि सरकार के झूठ को सामने लाना बौद्धिक लोगों का कर्तव्य है। जस्टिस चंद्रचूड ने 28 अगस्त को एक कार्यक्रम में कहा कि लोकतांत्रिक देश में सरकारों को जवाबदेह ठहराना, झूठ और गलत नैरेटिव फैलने से रोकना जरूरी है। जस्टिस चंद्रचूड ने जस्टिस MC चागला मेमोरियल लेक्चर में ये बात कही। जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि फेक न्यूज बढ़ रही है और इंसानों में सनसनीखेज न्यूज की तरफ खींचने की प्रवृत्ति होती है। जज ने कहा कि WHO ने माना है कि कोविड महामारी के दौरान फेक न्यूज में बढ़ोतरी हुई है और इसे इंफोडेमिक कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 10 दिन के लिए विपस्सना मेडिटेशन करेंगे। जयपुर के सेंटर में वे 10 दिन तक इस साधना का अभ्यास करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल मेडिटेशन के लिए गए हैं। पूर्व में भी कई बार केजरीवाल विपस्सना ध्यान के लिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के इगतपुरी, हिमाचल प्रदेश के धनकोट सहित कई विपस्सना शिविरों में पहले भी केजरीवाल 10 दिवसीय विपस्सना सत्रों का हिस्सा बन चुके हैं। शिविर के दौरान केजरीवाल के पास न टीवी होगा और न ही वह अखबार ही देख सकेंगे। विपस्सना ये भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई कला है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। वह मुखौटा वाली पार्टी है जिसने दलित व ब्राह्मण समाज का पिछले 5 सालों से शोषण किया। अगर बसपा सत्ता में आई तो एक एक जुर्म का गिन गिन कर हिसाब लिया जाएगा। वो गोंडा में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बोल रहे थे। छत्तीसगढ़ के किसान मानसून की बेरुखी की मार झेल रहे हैं, जबकि प्रदेश के 46 और जलाशयों में से महज 4 ऐसे हैं जिसमें 100% पानी है। अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ में जल संकट गहरा सकता है। बता दें कि बस्तर संभाग के सुकमा जिले को छोड़कर अधिकांश जिलों में इस बार कम बारिश हुई है। सुकमा प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां बीते वर्ष की तुलना में इस बार 44% अधिक बारिश दर्ज की गई है। शिवसेना सांसद भावना गवली के 5 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED की छापेमारी की घटनाएं ताजी ही थी कि अब महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब की भी कुछ संपत्तियों पर ED ने छापेमारी की है। अनिल परब के 3 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रेड पड़ने की खबर है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से संबंधित होने की वजह से अनिल परब की 3 संपत्तियों पर ED ने रेड मारी है। पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर के विधायक तन्मय घोष तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए घोष ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण वह TMC में शामिल हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने IAS अधिकारी आयुष सिन्हा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज करने के विवादास्पद निर्देशों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सख्ती जरूरी थी लेकिन अधिकारी सही शब्दों का चुनाव नहीं कर सके, लेकिन सख्ती वहां की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही की गई थी। सख्ती न की जाए तो ये भी सही नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ अभियान चला हुआ है, ऐसे तत्व मौजूद है जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। उनके खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है, उनकी सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे इससे विचलित नहीं होंगे। मध्य प्रदेश को आइडियल प्रदेश बनाया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान अब नए मोड़ पर आ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू खेमे ने अब पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू के करीबी विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि खड़गे कमेटी ने कहा था कि पंजाब के चुनाव सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में होंगे, जबकि हरीश रावत कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में होंगे। प्रगट सिंह ने हरीश रावत से सवाल किया कि उन्हें ये भी बताना चाहिए कि ये फैसला कब हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज उनका राज्य निवेशकों को जबरदस्त अवसर उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि आप वो समय भूल जाएं जबकि राज्य का नेतृत्व खान और खनिज से आगे नहीं सोचता था। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 15 साल की रूपरेखा बनाई है जिसके तहत निवेशकों के पास अवसरों के दोहन के जबरदस्त अवसर है।
बिहार में सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता तो है, लेकिन वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए त्यागी ने ये कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। उनकी पार्टी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है और जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है, लेकिन वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने एक बड़ी पहल की है। सेना ने आकाश एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 रेजिमेंट और 25 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास है और इसकी मंजूरी पर फैसला जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली एक हाई लेवल मीटिंग में लिए जाने की उम्मीद है। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल के फाउंडर चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि उनकी कंपनी टैरिफ रेट बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगी। एक दिन पहले ही टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने मौजूदा शेयर होल्डर्स को राइट्स इश्यू जारी करने 21,000 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान किया था। कंपनी की देश में 5G लॉन्च करने की तैयारी है, उससे पहले कंपनी अपनी बैलेंस शीट मजबूत करना चाहती है। देवेंद्र झांझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत और कांस्य पदक जीता। अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत की झोली में अब तक कुल 6 मेडल हासिल कर लिए हैं। आपको बता दें कि ये झांझरिया का 3रा पैरालंपिक पदक है। उन्होंने इससे पहले एथेंस 2004 और रियो 2016 में स्वर्ण पदक जीता है। बॉलीवुड के 2 सेलिब्रिटीज पर इन दिनों कानूनी शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। एक तरफ फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की 5 घंटे से पूछताछ जारी है, तो दूसरी तरफ ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए अरमान कोहली की कस्टडी 1 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। मिस यूनिवर्स रह चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अपने ग्लैमरस लुक को लेकर तो आए दिन ही सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन आपको बता दें कि पर्दे पर सक्रिय होने के साथ साथ वह मां के फर्ज को भी हर मुमकिन तौर पर निभाती है। 28 अगस्त को सुष्मिता ने अपनी छोटी बेटी एलिशा के जन्मदिन पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया, जिसमें एलिशा के बचपन से लेकर अब तक के सफर को कई हसीन तस्वीरों में खींचा है। वीडियो में सुष्मिता बेटी को गोद में उठाए नजर आ रही है। उन्होंने लिखा है, हैप्पी 12th बर्थडे, तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने मादक पदार्थों के मामले में अभिनेता अरमान कोहली को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी। इससे पहले अरमान कोहली के घर से कथित तौर पर प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद होने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB द्वारा उनसे पूछताछ की गई।